हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एजुकेशन। मैं आपका फ्रेंड पवन। और दोस्तों, जो आज का लेक्चर है, इसमें हमने एक बेस्ट कोलैबोरेशन तैयार किया है हिंदी व्याकरण का। दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वो इकट्ठा करके हमने एक बेस्ट कोलैबोरेशन तैयार किया है। आप जाइए, चेक कीजिए दोस्तों हिंदी व्याकरण के इस लेक्चर को। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टेलीग्राम का। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं दोस्तों, आपके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। और आप हमारी प्लेइंग लिस्ट में जाके कंटेंट देख ले दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची यानी कि सेम शब्द। ठीक है, तो देखिए, पदम पहला ऑप्शन है। पदम, पदम का अर्थ होता है दोस्तों कमल। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। पद्माकर भी यही हुआ, और महिष का अर्थ शिव होता है। ठीक है, तो कामदेव का मतलब होता है कंदर्प। ठीक है, यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, आंखों में खटकना, तो अच्छा लगना तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा पाना और आंख पर देखना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आंख में खटकना यानी कि कोई आंख में खटक गया। ठीक है, तो यानी कि अच्छा ना लगना, कोई भी अच्छा ना लगना, तो यहाँ पे बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गए से प्रत्यय शब्द बनता है। अब देखिए दोस्तों, प्रत्यय और उपसर्ग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी अलग से भी वीडियो बना रखी है दोस्तों, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, तो प्रत्यय होते हैं दोस्तों जो किसी भी शब्द के एंड में लगते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। तो अब देखिए, गए, गए यानी कि गय, अगर पूरा से हम देखें, गए यानी कि अय की साउंड आ रही है, अय की साउंड आ रही है लास्ट में। ठीक है, तो अब देखिए अय यहाँ पे कहाँ है? देखिए ममता में भी नहीं है, ममतव्य, माया, यानी कि अय की साउंड जलमय, जलमय यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, वो किसी भी शब्द के एंड में लगते हैं। ठीक है, जो साउंड देगा, आपने यहीं से देख रहे हैं ना, गए में क्या साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये जलमय। ठीक है, अगर उपसर्ग होता है तो उपसर्ग वो आगे लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वी जमा सम में कौन सी संधि है? वी जमा संधि, इसका संधि विशेष जब हम करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये एक व्यंजन संधि है। ठीक है, वी जमा सम, तो ये बन जाता है विषम। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संधि का मैंने अलग लेक्चर बनाया है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इनको समझें और हिंदी को इग्नोर ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रसंग का विशेषण है, ऑप्शन है विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है। ठीक है, प्रशंसा यानी कि नहीं। ठीक है, प्रासंगिक, प्रासंगिक, ये तो पहले ही शब्द ही गलत है। ठीक है, लिखे भी ठीक नहीं है तो ये गलत है, तो प्रासंगिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, प्रसंग का प्रासंगिक, ठीक है, विशेषण, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकंठ में समास। अब देखिए दोस्तों, समास जो है, समास का एक अलग लेक्चर है मैंने बनाया हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए आकंठ, अब हम इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। समास के लिए मैंने एक आपको बढ़िया ट्रिक बताई थी कि हम सबसे पहले भी किसी भी शब्द को तोड़ेंगे। आकंठ, देखिए एक शब्द, इसमें पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पूर्व पद जो है छोटा अक्षर है लेकिन ज़्यादा मतलब रख रहा है। आकंठ यानी कि गले तक, कंठ का मतलब होता है गला। ठीक है, तो गले तक यानी कि गले तक के, तो यहाँ पे आ एक प्रधान शब्द है, जैसे आमरण, आजीवन। ठीक है, आमरण यानी कि मरना तो था ही लेकिन मरने तक, आजीवन, जीवन तक, जब तक जीवन है। ठीक है, तो आ यहाँ पे जो है प्रधान शब्द है, प्रधान शब्द है, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव होता है समास। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास बहुत आसान है दोस्तों। एक बार अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसमें शुरू में आ लग गया वो समझ लीजिए अव्ययी भाव है। ठीक है, आजीवन, आमरण, कंठ। ठीक है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध शब्द क्या है? देखिए एकता, एक्यता, ये तो है नहीं, एक्यता ये भी नहीं है, एकता, तो एकता कैसे लिखते हैं हम ऐसे? ठीक है, तो ये डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य आपने इसमें ढूंढना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य देखिए, उसको देखे ही, उसको भी देखे हो, या उसे देखा है, या इनमें से कोई, तो ये तो कोई नहीं बोलता यार उसे देखे ही, या उसे देखे हो, ये तो बिहार वाले बोलते हैं उसे देखे हो। ठीक है, या फिर उसे देखा है, उसे देखा है यानी कि उसे देखा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द बताइए कि इसके लिए क्या करेक्ट शब्द होगा। वर्षा की अधिकता यानी कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो आपने अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो एक दो शब्द तो आपको समझ आ जाएगा कि लघु लघु का मतलब कम होता है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बहुवृष्टि, ये भी शब्द हम यूज़ नहीं करते, बहुवृष्टि वृष्टि बहुवृष्टि तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि भी कम होती है, यानी कि अतिवृष्टि। तो यहाँ पे अतिवृष्टि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छ का उच्चारण स्थान। तो छ आप खुद बोल के देखिए, छ छ आता है तालू से, ठीक है। तो तालू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सर्वनाम शब्द क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सर्वनाम शब्द का पता होना चाहिए, तो सर्वनाम शब्द के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, हम, तुम, ये, वो, जो, कौन, आप, ठीक है। तो ये हमारे सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो सॉरी जो, ठीक है। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर है, मित्र है दोस्तों, देखिए ये संज्ञा है, मित्रता, दांत, ये जो चीज़ मतलब स्पष्ट है वो समझिए संज्ञा है, और जो किसी जिसको यूज़ करने के लिए हम किसी शब्द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा सर्वनाम होता है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सैनिक घोड़े पर सवार हो, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, घुड़सवारी, घुड़सवारी करना यानी कि नहीं, गलत है, ठीक है। घुड़ दौड़ ये भी नहीं है, सवारी करना ये भी नहीं, यानी कि जो सैनिक, यहाँ पे सैनिक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अश्वारोही होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए खून का पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी कि सेम शब्द, ठीक है। तो खूनी, तो ये तो कुछ विशेषता बता रहा है कि खूनी है, वंशज भी नहीं है, नाता भी नहीं है, ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। शोणित, शोणित का मतलब भी खूनी होता है दोस्तों, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कृष्ण का विपरीतार्थक शब्द। कृष्ण का मतलब होता है काला, ठीक है, तो इसका विपरीत यानी कि उल्टा शब्द। तो देखिए काला तो हो ही नहीं सकता, कौवा भी नहीं होता, उजाला भी नहीं होता, तो ये होता है शुक्ल। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद, श्वेत, यानी कि ऐसा भी आपने सुना है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान चीज़ है दोस्तों, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शुद्ध शब्द हमने चुनने हैं। तो ऊंचाई, तो सभी को पता है ऊंचाई कैसे लिखते हैं, ऊंचाई ये तो लिखने देनी, ऊंचाई ऊंचाई या ऊंचाई, ठीक है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हित जमा उपदेश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा इसको, ठीक है। हित जमा उपदेश में कौन सी संधि है, तो हम क्या देखते हैं, पहले अक्षर का अंतिम जो है वर्ड होता है, और दूसरे यानी कि पहले का अंतिम, दूसरे का पहला, यानी कि यहाँ पे देखिए हित त, यानी कि अ की साउंड आ रही है, प्लस यहाँ पे देखिए उ, जब अ और उ मिलते हैं तो ओ बनाते हैं, बस ये ध्यान रखें आप, ठीक है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, जब अ और उ मिलते हैं तो बनाते हैं ओ। तो देखिए कहाँ है, हितो उपदेश, ठीक है, हित जमा उपदेश, तो हितो उपदेश, ठीक है। या तो इधर भी है, लेकिन यहाँ देशी लगा हुआ पीछे, तो देशी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अ और उ जहाँ मिलते हैं। हमेशा संधि का ये ध्यान रखना होता है दोस्तों, संधि जब जोड़ते हैं हम शब्द, तो पहले अक्षर का यहाँ पे मैं काट देता हूँ, ठीक है, जैसे इसको समझा ही देता हूँ मैं, ठीक है। पहले जो वर्ड है हित, इसका हम लास्ट अक्षर लेते हैं त, यानी कि त अ की साउंड आ रही है, प्लस उपदेश, उपदेश यानी कि दूसरा शब्द है हमारा उपदेश, ठीक है, तो इसका हम पहला शब्द लेते हैं, तो पहले का लास्ट, दूसरे का फर्स्ट, इन दोनों को जोड़ते हैं हम दोस्तों, तो उसको बोलते हैं संधि करना, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके उससे आप संधि देख लें, मैंने बहुत अच्छे समझाई है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋण मुक्त में कौन सा समास है। देखिए समास की बात आ गई, ऋण मुक्त, तो समास करने से पहले आपको विग्रह करना आना चाहिए, विग्रह का मतलब है वर्ड को तोड़ना आना चाहिए। अब देखिए ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, बिल्कुल यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है बात, ऋण से मुक्त यानी कि बीच में विसर्ग चिन्ह है, ठीक है। जहां भी बीच में विसर्ग चिन्ह आ जाए, संबोधी चिन्ह आ जाए, में पर से, वो होता है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है, ऋण से मुक्त। और एक तरीके से आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं, दूसरा तरीका तत्पुरुष समास का क्या होता है कि उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, यानी कि छोटा शब्द और बड़ा अर्थ रखता है। उत्तर पद कौन सा होता है, ये देखिए मुक्त, यानी कि ऋण था उसके पास लेकिन वो मुक्त हो गया है, अब उसके पास कोई ऋण नहीं है, तो यानी कि मुक्त हो गया है, मुक्ति मिल गई है, तो यानी कि मुक्त यहाँ पे प्रधान शब्द है, यानी कि उत्तर पद प्रधान है, तो ये तत्पुरुष समास है, ठीक है। तत्पुरुष समास पहचानने के दो ही तरीके हैं, ठीक है, ठीके? तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
जो धन का दुरुपयोग करता हो, के लिए शब्द क्या होगा जो धन का दुरुपयोग करता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों अपव्ययी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपव्ययी उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरस में कौन सा समास है? देखिए समास के क्वेश्चन जो है आ ही रहे हैं, तो नीरस, अभी अब मैंने आपको कह दिया कि इसको तोड़ दो पहले, ठीक है, विग्रह कर दो, नी जमा रस, ठीक है, नी जमा रस। अब देखिए रस यानी कि पहले रस रसीला था, ठीक है, नी नी ने पूरा मतलब ही चेंज कर दिया, यानी कि नीरस, यानी कि नीरस का मतलब होता है फीका, ठीक है, इसने मतलब ही चेंज कर दिया। तो मतलब किसने चेंज किया? पूर्व पद ने। पूर्व पद यहाँ पे कौन सा है? नी। तो पूर्व पद यहाँ पे प्रधान है, यानी कि इसने शब्द ही चेंज कर दिया। तो ये सभी को पता लग गया होगा कि अव्ययीभाव भाव समास है, क्योंकि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव भाव समास होता है। जैसे आजीवन, आमरण, यानी कि नीरस, यानी कि पहले शब्द ने पूरा अर्थ चेंज कर दिया, ठीक है। तो नीरस पहले तो रस था, देखिए अगर रस होता तो रसीला था, यानी कि नीरस, ठीक है, यानी कि मतलब ही चेंज हो गया पूरा, नीरस, ठीक है, फीका हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने इकट्ठा करके बनाया है दोस्तों, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए बाकी हम आगे देखते हैं। व्यापक में कौन सी संधि है? देखिए अब देखिए व्यापक को, देखिए जब हम संधि करेंगे दोस्तों, और ये जो है यण संधि का जो है एग्जाम्पल है, देखिए वी व्यापक। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको तोड़ेंगे, ई य और या बन रहा है, तो ये बनता है ई य और या बनता है या, ठीक है, तो व्यापक, ठीक है, तो ई य और या। देखिए ई क्या है यहाँ पे, देखिए वी यानी कि ई की मात्रा था, वी आपक, य और आ, वी आपक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, जो वी, ये यण संधि है दोस्तों, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वी आपक ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ। अब देखिए ये तो अंधा बनना, मूर्ख बनना तो हो नहीं सकता, प्रयत्न करना ये भी नहीं, ये दो तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब बात है जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, ठीक है, अंधा बन रहा है मतलब कोई भी किसी बात को ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल्य का पर्यायवाची, ठीक है, तो प्रेम, नेह, स्नेह, विग्रह, तो विग्रह यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है? गुरु का अनेकार्थी यानी कि गुरु जैसा और शब्द नहीं है। देखिए शिक्षक गुरु होता है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी कि नहीं पूछा है, बिल्कुल यहाँ पे हो ही नहीं सकता। बृहस्पति, बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं, ठीक है, गुरु बोलते हैं ना, गुरु किसी का लगन में, किसी का गुरु, मेरे को गुरु की दशा है, ठीक है। और श्रेष्ठ भी गुरु होता है, तो यहाँ पे संगम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों, तो संगम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ध्यान रखेंगे। जो मोक्ष की इच्छा रखें, दोस्तों मैं आपको बता दूं वीडियो लंबी भले चल जाएगी लेकिन दोस्तों आपको समझ आ जाएगा दोस्तों, और ये बहुत काम की चीज़ है, एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये उनसे पूछे जो वेटिंग लिस्ट पे है दोस्तों, उनसे पूछे कि पॉइंट कितना होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। जो मोक्ष की इच्छा रखे उसको कहते हैं मोक्ष, ठीक है, मोक्ष की इच्छा, भिक्षु तो हो नहीं सकता, निर्वाण भी नहीं हो सकता, निर्वाण सुमोक्ष भी नहीं होता, ठीक है, तो मुमोक्ष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राम के पास सुनहरी पेन है। अब देखिए यहाँ पे वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो विशेषता बताता है, यानी कि विशेषता सुनहरी, सुनहरी क्या क्या है ये, कि सुनहरी क्या है? संख्या है? नहीं है। परिमाणवाचक है? नहीं। सर्वनाम भी नहीं है। ये गुण बता रहा है कि सुनहरी है, ठीक है, तो गुण बता रहा है तो ये गुणवाचक है, ठीक है। आपने पता भी दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि आपको वर्ड में, अगर जब आप वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको उसी में ही आंसर मिल जाएगा कि क्या है, ठीक है। चलिए जैसे देखिए पंडा शब्द का स्त्रीलिंग, तो ये पंडिताइन होता है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हे प्रभु तेरी माया अद्भुत है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम। देखिए सर्वनाम मैंने अभी भी आपको बता दिया कि सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा को संबोधित कराते हैं। देखिए हे प्रभु तेरी माया, तेरी माया यानी कि तेरी, यहाँ पे बिल्कुल जो है सर्वनाम है। मैंने अभी बताया था कि सर्वनाम क्या होते हैं, जो, मैं, पर, वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है, शुरू में बताया, आप देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंदमूल में प्रयुक्त समास। अब देखिए समास यानी कि कंदमूल, उल्टे हैं एक दूसरे, कंदमूल, दिन रात, लड़का लड़की, ये सब आते हैं द्वंद्व समास में। ध्यान रखेंगे समास में द्वंद्व जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दिन रात, लड़का लड़की, कंदमूल, ये सब हमारे जो है द्वंद्व समास आते हैं, ठीक है, ठीके? आपको उदाहरण समेत जो है पता लग गया। चलिए ठीक है। दुगुना में प्रत्यय। अभी देखिए उपसर्ग प्रत्यय की मैंने बात की थी, प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के एंड में लगते हैं। अब देखिए एंड में गुना,
गुना, ठीक है, गुना कहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ पे ना तो है नहीं, अन्ना भी नहीं है, उन्ना भी नहीं है, ठीक है, तो गुना आप साफ ही दिख रहा है, तो ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, चंद्रमा शशि भी होता है, चांद भी होता है, सुधाकर भी होता है, रजनी नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रजनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही समास आ गया, भाई बहन में कौन सा समास है, भाई बहन मैंने क्या बताया था, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उल्टे कौन से होते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेवक शब्द में कौन सी भाव है, तो भाव क्या होती है, सेवा, ठीक है, तो सेवा यहाँ पे भाव है, ठीक है, तो सेवा भाव सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभिव्यक्ति में क्या पर्यायवाची है, तो उपयुक्त, पृथक या प्रकटन, तो प्रकटन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद का जो मेरा पार्ट होगा उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, दोस्तों जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाएं दोस्तों, आपको बहुत अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रीवियस पेपर होते हैं आपको आगे भी आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, आप देखिए वीडियो क्वालिटी, ठीक है, और आपको अगला हम जो कोलैबोरेशन तैयार करेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी फिर इंडियन हिस्ट्री का होगा, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।